धनबाद में अपराधियों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। धनबाद के वासेपुर में अप्सरा बाजार के मालिक मोहम्मद समीम के घर पर अपराधियों ने फायरिंग करने के बाद पर्चा छोड़कर धमकी दी है। आरोपी प्रिंस खान पिछले 2 महीनों से दे रहा है धमकी। चौबीस फरवरी को मेरे पास फोन आया था। किसका फोन था? बड़े सरकार, अब फोन हमको पता नहीं कि बड़े सरकार छोटे सरकार ने, हम तो हेमंत सरकार को जानते, किसी जानते नहीं। ठीक है, 50 लाख रुपया चाहिए, अगर नहीं 50 लाख रुपया दिया गया तो गोली से घूम देंगे और पूरे परिवार को ही मार देंगे। उसके बाद लगातार फोन आता रहा, कभी अमन साहू के नाम से, कभी बड़ा सरकार के नाम से, हम फोन उठाना बंद कर दिया। इसका सूचना हमने बैंक मोड़ प्रमोद सर को हमने दिया। प्रमोद सर हमको आश्वासन दिए, सब तरह का सुरक्षा आपको दिया जाएगा, और बीच बीच में जब भी हमको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगा तो टाइगर जवान को दिए भी मेरे साथ में, ऐसा नहीं है, वो हमको हेल्प किए। एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब को भी दिए तो एसपी साहब तो बोले ठीक है, हम घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज तक 2 महीना ज़्यादा वक्त गुजर गया, कोई ठीक नहीं हुआ, और लगातार फोन आते रहिए। जैसे जैसे फोन आया उससे हमने व्हाट्सअप प्रशासन को हम देते चले गए बैंक मोड़ थाना में। ठीक है, और अब कल इतना बड़ा वीडियो वायरल हुआ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। भोली थाना का जिम्मेवारी बनता है कि एक बार पूछे भाई कि अपना गफार कॉलोनी का व्यक्ति के साथ इस तरह का वायरल हुआ, ये एक बार पूछ तो ले कि सुरक्षित लोग हैं, किसी तरह की परेशानी है, कोई भयभीत है तो भयभीत तो हम लोग पूरा घर वो रो रहे हैं बैठ करके। कल क्या हुआ सर, क्या वीडियो था कल तो आप देखिए, वो वीडियो क्या डिटेल बना तो आया ही सर, प्रदीप खान का वीडियो कैसा था उसको खोल के देख लीजिए आखिर, तो बताने की क्या जरूरत है। अभी जो गोली चला उससे 10 मिनट पहले बोला कि गमछा लगा के आदमी को रेकी कर रहा है यहाँ पर। हम लोग कैमरा को चेक ही कर रहे थे, पहले देखा कि गेट को खोला, और बेटा मेरा चेक कर रहा, पापा देखिए गोली चला रहा। तो हमने गेट वाला बंद कर दिया। वो फोन करके आपको बताया कि यहाँ रेकी हो रहा है? नहीं, हमको यहाँ पर गाड़ी बोला कि गमछा बांध करके कर रहा है और आपका ही घर का रेकी कर रहा है, आना जाना यहाँ पर गया मोटरसाइकिल, ये पोल के पास फिर घुमाया, फिर उधर गया, फिर उधर से आया, तीसरा बार में। कौन सी गाड़ी में? वो सारी मेरे ख्याल से पल्सर होगा। एक गाड़ी था, दो आदमी। हम लोग तो 2 ही आदमी को देखे, एक ही गाड़ी देखे, तीन फायर किया। लगभग 8:15 बजे से ड्रामा ये चल रहा था और चला लगभग 9 बजे, 9:15 बजे बोली। हाँ, दुकान अनिश्चित कालीन कल से बंद, कल से हमारी दुकान बंद रहेगी हमारी सर। जब तक प्रशासन जो है मीडिया के माध्यम से रात में करीब 10 बजे के आसपास मालूम हुआ कि अप्सरा बाजार के मालिक के निवास स्थान पे फायरिंग हुई है। मीडिया से ही मालूम हुआ कि हवाई फायरिंग हुई है, जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जैसा कि उन्होंने मीडिया के माध्यम से ही कहा था कि जब तक इसका निष्पादन नहीं हो जाता है वो अपनी दुकान को बंद रखेंगे। मैं जब बाजार आया, मेरा भी प्रतिष्ठान पुराना बाजार में है, तो देखा कि उनकी दुकान बंद है। और मुझे लगता है और मीडिया के माध्यम से मालूम भी हुआ है कि पुलिस अपना काम कर रही है, वो जांच में जुटी हुई है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे, 100% नजर दे तो इसका समाधान
लगातार व्यवसायियों के इधर धमकी दे रहे हैं? देखिए, व्यापारी हमेशा लाचार होता है। कारण ये है कि हम एक कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और अपना दुकान जब बनाते हैं तो कई तरह की परेशानियों से सामना करना पड़ता है। कभी पॉलिटिकल बंदी से सामना करना पड़ता है, कभी छुटभैये लोगों से सामना करना पड़ता है। लेकिन इन दिनों पर्यटन के व्यवसायी जो है रंगदारी जैसे परेशानी से सामना कर रहे हैं, अपराधियों के वो बेखौफ चरित्र से सामना कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन पे, पुलिस पे, अपने देश के कानून पे पूरा हम लोगों को भरोसा है। और मुझे लगता है कि देर होगी और पुलिस अपने काम में आगे बढ़ चुकी है और पुलिस लगता है कि जल्द से जल्द कोई रिजल्ट देगी ताकि हम लोगों के बीच में जो शांति का और पुलिस के प्रति विश्वास का भाव है वो पुनः जागृत हो। कितना दुकानदार है जो वासेपुर में रहता है, यहाँ दुकानदारी करते हैं? देखिए, वासेपुर यहाँ पर पुराना बाजार जो है वो कई हजार दुकानदार हैं, दुकान है। और उसमें से जो मुस्लिम दुकानदार है वो 70% के आसपास जो है मुस्लिम बहुत क्षेत्र में रहते हैं, उनका आना जाना रहता है। तो लगातार देखिए, मेरे पड़ोस में अगर किसी को धमकी मिलता है तो भय का माहौल दूसरी तरफ भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तो व्यापारियों में भय का माहौल है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि हर काली रात की सुबह होती है, प्रशासन शिद्दत से जुड़ा हुआ है, जुटा हुआ है और इस काली रात की सुबह जरूर। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।